हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। इसरो 300 करोड़ की लागत से भेजेगा चंद्रयान 2। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के कई देशों के 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाने के बाद आगे कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में इसरो अब चंद्रयान 2 की तैयारी में जुटा है। अगले 2 से 3 माह में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इस अभियान पर 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारत में चंद्रमा और स्पेस में किए जाने वाले अंतरिक्ष शोध में इजाफा होगा। यह जानकारी इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक भरत चनियाना ने दी है। भरत चनियाना शुक्रवार को कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय टेक स्पर्धा में इसरो की ओर से लगाई प्रदर्शनी में आए थे। उन्होंने दैनिक जागरण संवाददाता से बात करते चंद्रयान 2 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से 800 वैज्ञानिकों की टीम इस मिशन पर कार्य कर रही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक भरत चनियाना ने बताया कि अब तक भारत की ओर से चांद पर शोध करने के लिए चंद्रयान 1 भेजा है, जो उसकी कक्षा में उसके साथ घूमता है और चंद्रमा के बारे में जानकारी देता रहा है। अब चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर उतारा जाएगा, जिससे वहां के पर्यावरण, जमीन और अन्य की जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि भारत चंद्रमा पर लैंड करने वाले यान को भेजने वाला विश्व का तीसरा देश होगा। अब तक अमेरिका और रूस अपने चंद्रयान भेज चुके हैं। होवर रोबोटिक्स भी रहा आकर्षण का केंद्र। प्रदर्शनी के दौरान जालंधर से रोबोटिक्स इंजीनियर मनीष जिदल द्वारा तैयार होवर रोबोटिक्स भी विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने बताया कि विदेशों से भारत में मंगवाने पर होवर रोबोटिक्स 80 से 90 हजार रुपए में आता है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त कर भारत में होवर रोबोटिक्स तैयार किए हैं, जो व्यक्ति के मस्तिष्क के अनुसार चलता है।